Alright, so hey guys, what's up everybody? How are you all? I'm Sahil Sungra, back to begin with my new video. Okay, so आज कुछ दिनों बाद मैं अपना व्लॉग चालू कर रहा हूँ क्योंकि थोड़े दिन हो गए मेरा व्लॉग कोई आया नहीं है अच्छा ट्रैवलिंग वाला. सो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज मैं कहाँ जाने वाला हूँ. सो अभी बहुत रात हो गई, अभी बज रहे 9:20 हो रहा है, 9:20 के करीब हो रहे हैं. सो अभी मैं जाऊँगा रेलगाड़ी में. सो अभी 9:20 मेरे को 10:15 बजे तो मुझे निकलना है और अभी मैं अभी थोड़ी देर हुई मैं घर पहुंचा क्योंकि मैं जल्दी जल्दी खाऊंगा और जल्दी से निकलूंगा. मैं यहाँ पर 1 घंटे का तो रास्ता है. सो ओके, सो फिर घर पहुंच के मैंने अपनी पैकिंग कर ली है, उल्टी सीधी पैकिंग की है, पता नहीं क्या क्या डाला है क्या नहीं डाला कुछ. तो अभी मैं जल्दी निकल रहा हूँ रेलवे स्टेशन जाने के लिए. सो व्लॉग आप एंड तक देखना, आई होप आपको पसंद आएगा. अभी मुझे भी नहीं पता वहाँ क्या होगा कैसे होगा सब, आई होप आपको देखने में मजा आएगा. देखते हैं वहाँ क्या है, मुझे भी नहीं पता. सो जल्दी हम निकलते हैं अभी रेलगाड़ी में. इस जगह ये एक ही रास्ता जाता है, बाकी पूरा जंगल है इधर. तो 10:30 बजे के करीब हम बावा गोर की दरगाह को पहुंच गए थे. सुबह हम भरूच रेलवे स्टेशन को उतरे, जैसे ही उतरे सो हम बाहर जा रहे थे तो बहुत सारे ऑटो वाले आपको पूछेंगे कहाँ जाना है क्या करना है सब. जो आपके बजट में बैठे 3-4 ऑटो वालों को पूछना आप. जो आपके बजट में बैठे उसको बोलना, वो आपको लेके जाएगा रतनपुर. भरूच से रतनपुर 37 किलोमीटर है, हमको ऑटो वाले ने बोला था. तो हम सुबह 10:30 बजे के करीब रतनपुर दरगाह पर पहुंचे, बावा गोर की दरगाह पर, और फिर हमने सलाम मिली. सच बोलूं तो जाते वक्त भी मैं घबरा गया था क्योंकि हम सीढ़ियाँ चल रहे थे और हमें आवाज़ आ रही थी इंसानों की, मतलब जिसके शरीर में भी जो जिन या कुछ होता है उनकी आवाज़ आ रही थी. सो फिर अंदर का मैं मुझसे फिर अंदर का जितना हुआ मुझसे मैंने उतना शूट किया और ज़्यादा नहीं किया है, मैंने थोड़ा बहुत ही किया है। और फिर हमने सलाम भरा और सलाम भरने के बाद वहाँ पर जो 3-4 लोग मुजावर थे, हमने उनसे पूछा कि यहाँ की हिस्ट्री बोलो। सामने एक जन को जाके पूछा तो उसने बोला कि उसको पूछ लो, दूसरे को वो अच्छे से बताएगा। और हम उसको पूछने गए तो उसने बोला कि मैं नहीं बोल रहा हूँ। सो फिर हमने नहीं पूछा वहाँ पर। सो हमने फिर ज़्यादा फोर्स नहीं किया, हम चले गए। सो फिर मुझे जितनी हिस्ट्री पता थी मैंने उतनी मैंने आपको आगे बोली है। सो आप वीडियो पूरा देखना। और फिर वहाँ पर बावा गोर की दरगाह है, उस जगह पर वहाँ पर 3 मज़ार आती है, एक बावा गोर की है और एक बाबा अब्बास की है। ओके, सो बावा गोर की दरगाह है ना, वो पूरे जंगल वाले इलाके में आई हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरे साइड जंगल ही थी, वहाँ पर एक ही रास्ता जाता था। और वहाँ पर 3 मज़ार है, जैसा कि मैंने बोला, बाबा अब्बास की है और बावा गोर की है। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि बावा गोर की दरगाह फेमस किस लिए। बावा गोर की दरगाह फेमस इस चीज़ के लिए है कि मतलब जिसके भी शरीर में जो जिन या कुछ चला जाता है उसको ये निकाल देते हैं। वहाँ पर हमको मोहलत देते हैं, इतने दिन रुकना है, 8 दिन, 7 दिन, 1 महीना, जितने भी दिन बोले वहाँ पर रुकना होता है, मगर ठीक कर देते हैं वो। और बावा गोर की दरगाह पर सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, मतलब सब धर्म के लोग आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सब आते हैं। और इस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। और बावा गोर अफ्रीका के थे और ये सिंधी के लिए तो बहुत ही फेमस दरगाह है। और फिर और जो इंसान मतलब साइंटिफिक बिलीव रखते हो कि जिन या ऐसी कुछ चीज़ नहीं है दुनिया में, सो ऐसे लोगों को वहाँ पर लेके जाना, इनको भी यकीन हो जाएगा वो भी घबरा जाएंगे। तो बाकी की मुझे जितनी पता थी वो मैंने आपको आगे बताई है, सो देख लेना। ओके, सो फाइनली हम अभी बावा गोर की दरगाह पर होकर आए हैं। सो वहाँ पर मतलब जो देख रेख करने वाला होता है ना दरगाह पर, सो उसको मैंने पूछा कि यहाँ की हिस्ट्री बताओ। सो उन्होंने बताई नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बताई। सो मैंने भी फोर्स नहीं किया, मैं बता देता हूँ आपको हिस्ट्री जितनी मुझे पता है। बाकी मेरे चाचा को पता है, वो अभी है नहीं क्योंकि टिकट कराने गए। अभी हम भरूच से सीधा जाएंगे कोई और जगह पर, तो टिकट कराने गए। सो मुझे जितने तक पता है कि ये दरगाह में जिसको मतलब कुछ शैतान या कुछ आ जाता है शरीर में, सो यहाँ निकालते हैं वो। गुरुवार को इनको हाज़िरी आती है, सो निकालते हैं। सो बाकी का देखते हैं, मैं चाचा को बोलूँगा, वो आपको बता देंगे हिस्ट्री। सो ये व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ। सो आई होप आपको देखने में मज़ा आएगा। सो ऑलराइट गाइस, नाउ वी एंड अप ऑफ दिस व्लॉग। आई होप यू लाइक इट, यू वॉच माई व्लॉग इंडिया। थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, गुड बाय। सो अभी जा रहे हैं हम किसी और जगह पर, हम सीधा मिलेंगे पार्ट 2 में। सो व्लॉग एंड तक देखते रहना मेरा। सो गुड बाय। ओके, सो और एक बात बताना भूल गया कि बावा गोर की जो दरगाह है वो बहुत जल्द वाली है। आपने मतलब देखा कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, नॉन मुस्लिम भी बहुत सारे लोग आए थे, जिनको भी ये शैतान जिन सब परेशान करते। तो यहाँ पर वो 8 दिन या 2 महीने, 1 महीने, पता नहीं कितने दिन रुकते हैं, जितना बोला जाता है उतना। और फिर ये निकाल देते हैं, मतलब इतने जल्द है। सो अभी मिलते हैं हम पार्ट 2 में। ओके, सो मैं जा रहा हूँ अभी एक मस्त जगह पर, आपको दिखाऊँगा वहाँ पर।